हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो कल है दिवाली और आज छोटी दिवाली है, तो आप सबको और आपके परिवार को मेरी तरफ से विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माता लक्ष्मी गिव यू ऑल द लव एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज हम बनाने वाले हैं समोसा, जो मेरा फेवरेट है। मैं दिवाली पे ज़रूर बनाती हूँ, वैसे भी बनाते हैं बट दिवाली पे मैं ज़रूर बनाती हूँ स्नैक्स में हमेशा। तो इसकी स्टफिंग थोड़ी सी अलग है बाकी आप कहीं पे भी देखेंगे उससे। तो इस रेसिपी को, इस स्टफिंग के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मेरे को बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अभी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। तो सबसे पहले हम अपना आटा लगा के रखेंगे। तो ये मैंने 3 कप मैदा लिया है, इसमें हम सॉल्ट डालेंगे एज़ पर टेस्ट। आप इसमें अजवाइन डाल सकते हैं, आई डोंट यूज़ अजवाइन तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी 5 चम्मच घी के, 5 टेबल स्पून्स। और अब हम इसको 1 डेढ़ मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन अच्छे से आपके मैदा के पूरे आटे पे अच्छे से लग जाना चाहिए, उसका दाना सा हो जाना चाहिए मैदा का इतना। तो अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है आपके समोसे या कोई भी ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं उसको खस्ता बनाने के लिए। तो ये देखिए, इसको ना जब आप ऐसे मिक्स करेंगे उसके बाद इसकी ऐसे एक लड्डू सा बन जाना चाहिए जब आप इकट्ठा करते हैं, तो वो ज़रूरी है। अब हम इसका डो नीड करेंगे और डो हमें थोड़ा टाइट ही रखना है, रोटी जैसा नहीं रखना लेकिन एकदम टाइट भी नहीं रखना, थोड़ा टाइट के साइड पर रखना है एज़ कम्पेयर टू हमारा रोटी या पराठे से का जो आप बेसिक बनाते हैं उससे टाइट रखना है, पूरी जितना भी नहीं रखना। तो अब मैं इसको अच्छे से डो को नीट कर लेती हूँ और इसका ग्लूटेन डेवलप करने के लिए ये इकट्ठा भी हो जाता है उसके बाद भी 1 मिनट तक हमें अच्छे से इसको ऐसे करके गूंदना है ताकि उसका ग्लूटेन डेवलप हो और आटा अच्छे से सेट हो। तो 1 मिनट में ऐसे करूँगी और अब हम इसको आधा घंटा रेस्ट होने देंगे और जब तक अपनी स्टफिंग बना के और उसको ठंडा कर लेंगे। तो मैं इसको एक मॉइस्ट क्लोथ से ढक के रख देती हूँ। आधा घंटा रेस्ट देना इसको ज़रूरी है ताकि आपका डो शेप पकड़े। तो इसको मैं रख देती हूँ और अब अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने ये 1 टेबल स्पून घी ऑयल का लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें मैं डालूँगी चॉप्ड जिंजर, गार्लिक नहीं डालते हम स्टफिंग में, अच्छे से चॉप की हुई जिंजर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसको थोड़ा सा पका लेंगे, रॉनेस निकल जाए इसकी इतना। और अब इसमें डाल देंगे ये कुछ ड्राइड पुदीने के पत्ते, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप वो डाल सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। ये हरी मिर्च, ये तीखी नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा डाली, अगर ज़्यादा तीखी है तो मत लीजिए। और ये हमारा मसाला जिसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1/2 टेबल स्पून जीरा है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके और दरदरा पीस लिया था और हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था। बाकी हम इसमें ऑयल के साथ, मसालों के साथ भून लेंगे इसको थोड़ा सा। कुछ सेकेंड्स में जब इसमें खुशबू आने लगेगी धनिया में तो इसमें हम डालेंगे प्याज। इसको हल्का सा स्टर, बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है ये वाला प्रोसेस यहाँ तक का। अब आप मीडियम कर सकते हैं और इसके बाद इसमें डाल दी मैंने प्याज। और प्याज हमें बिल्कुल नहीं पकानी है, एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट करनी है। तो हम उतना पकाएंगे इनको, बस वो कच्चेपन की खुशबू निकल जाए सिर्फ उतना। तो इसको ऐसे स्टर करते रहिए, सौते करते रहिए। ये देखिए हमारी प्याज रेडी हो गई। अब इसमें डाल देंगे अपने मटर। मैंने मटर को कोई बॉईल या स्टीम कुछ भी नहीं किया है, सिंपल मटर डाले हैं, फ्रोज़न नहीं है, फ्रेश वाले हैं। तो इनको हम 1 मिनट ऐसे सौते करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्के से ये मॉइस्ट हो जाए। तो ये 7-8 काजू फाइनली चॉप्ड और 100-150 ग्राम के आसपास पनीर है जिसको मैंने क्यूब्स में डाला है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। और सॉल्ट टू टेस्ट, तो पनीर ऑप्शनल है बट आप डालेंगे बहुत अच्छा लगेगा। गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा डाल दी थी, थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी की। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स और 1 मिनट इनको भी ऐसे ही पका लेंगे ताकि पनीर और जो हमारे मटर है वो अच्छे से मसालों का फ्लेवर ले ले। तो हमें मटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि मटर जब तक कुक नहीं होगा तब तक वेट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप समोसा फ्राई करेंगे तो मटर अपने आप कुक हो जाएंगे, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमें सिर्फ अभी इतना पकाना है कि ये मसालों को थोड़ा सोक इन कर लें और एब्जॉर्ब कर लें, उसके फ्लेवर्स को सोक इन कर लें। तो ये हो गया रेडी हमारा। अब इसमें डाल देते हैं अपने आलू। तो मैंने 3 लार्ज साइज़ के आलू लिए हैं जिनको बॉयल कर लिया है
और मैश कर लिया है। आप इनको चॉप करके भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा मैशी और थोड़े से इसमें पीसीस से क्रंच काफ़ी अच्छा आता है। और ये हरा धनिया आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी। तो अब इसको प्रॉपरली आराम से मिक्स करेंगे, हमारे पनीर के पीसेस टूटने नहीं चाहिए। तो ये देखिए इट्स डन। तो इसको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं, अपना आटा भी रेस्ट कर लेगा और ये भी ठंडा हो जाएगा, फिर अपने समोसे रेडी करेंगे। तो ये देखिए स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और आटा हमारा ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, तो आटा भी रेडी है। अब चलिए अपने समोसे रेडी कर लेते हैं। तो पहले तो ये देखिए डो ने हमारा रेस्ट किया, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। हम इसको 1 मिनट वापस से नीड करेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ऐसे करके हम 1 मिनट इसको ऐसे ही करेंगे। सो द डो इज रेडी। अब चलिए हम बॉल्स बना लेते हैं इसकी। तो मैं थोड़ा सा मैदा की लेयर ऊपर पतली रखती हूँ, क्योंकि समोसा बेसिकली खाया जाता है उसकी स्टफिंग के लिए, ना कि मैदा खाने के लिए। तो अगर आपको थोड़ी मोटी लेयर पसंद है, आप बॉल्स इससे थोड़ी सी मोटी बना सकते हैं। मैं थोड़ी पतली लेयर रखती हूँ, इसलिए मैं पतले बॉल्स बना रही हूँ। तो अभी के लिए आई हैव मेड दीज 5 बॉल्स, बाकी को मैं रख देती हूँ, बाद में बनाएंगे। तो इससे बन जाएंगे हमारे 10 समोसे। तो मैं आपको समोसा ये फिल करके दिखाती हूँ। ऑयल मैंने रख दिया गरम होने के लिए, और जब तक हम फिल करेंगे ऑयल गरम हो जाएगा, और ऑयल को हमें मीडियम हॉट रखना है, तो लो फ्लेम पर ही गरम करेंगे उसको। तो ये मैं बॉल को बेल लेती हूँ, इसको अच्छे से बड़ी रोटी बनानी है। ये देखिए आपको पंजाबी समोसे जैसा बड़ा साइज चाहिए, तो आप थोड़ी सी मोटी मोटी इसकी बॉल बना के और ज़्यादा बड़ा बेल सकते हैं। तो अभी ये हाफ कट करके इस पर हम पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सील हो। इसको सील करना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, आप ऑयल में डालेंगे तो समोसा फट जाएगा। तो एजेस पे पानी लगा के और इसको ऐसे चिपका देंगे। तो अभी ये कोन जैसा बन गया, इसमें अपनी फिलिंग डाल देंगे हम। तो सफिशियंट फिलिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हल्का सा डाल दिया और खाली छोड़ दिया। अच्छे से भरिए, उसका टेस्ट आना चाहिए, सिर्फ मैदा का नहीं आना चाहिए। अभी एजिस पे वापस से पानी लगा के ये हल्का सा फिल फोल्ड करके इसको इस एंड से हम मिला देंगे, और बाकी दोनों को भी एजिस को ऐसे इसको अच्छे से सील कीजिए आपके हाथों से। ये देखिए हमारा समोसा ऐसे ऐसे बैठ जाना चाहिए। तो ये रेडी है, अभी दूसरा फिल कर लेते हैं। तो इसको सील करना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। और बेलते टाइम हमें घी लगाना है, सूखे मैदा से नहीं बेलना है, अदरवाइज क्या होगा, आपका सारा तेल भी ख़राब हो जाएगा और इसका कलर पे भी थोड़ा सा कालापन सा आ जाएगा। तो ये मैंने ऐसे सील किया, अब इसके अंदर मैं स्टफिंग फिल करूँगी। तो अब इस पे लगा देंगे पानी। और इसको अच्छे से ये पिंच करके इसको और इस एंड को इससे मिलाएंगे, और फिर साइड्स को मिला देंगे। तो सील करने का जरूर ध्यान रखिए, वो बहुत जरूरी है स्टेप है इसके अंदर। सो ऐसे करके हम अपने सारे समोसे रेडी कर लेते हैं। अभी के लिए हम प्रिपेयरिंग 10 ओनली, तो हम ये 10 बना लेंगे। तो ये देखिए अभी हमारे 10 समोसे रेडी हैं, और हमारा तेल भी गर्म हो गया। तो चलिए, तो ये देखिए तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं समोसे। बहुत सारे एक साथ नहीं डालने, और तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए जब आप डाल रहे हैं, उसके बाद फ्लेम आपकी, क्योंकि जब आप सारे डालेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इसका कम आ जाएगा। मीडियम टू लो पे पेशेंटली फ्राई करना है ताकि लेयर इसकी जो ये है काफ़ी अच्छे से पके। और बिल्कुल ही लो पे फ्राई कीजिए अगर आपने मोटी लेयर बनाई है। अगर ये इतनी पतली है तो मीडियम भी ठीक है, अगर इससे मोटी बनाई है तो बिल्कुल ही मीडियम टू लो पर जाके और फिर पकाइए, अदरवाइज क्या होगा, मैदा की लेयर अंदर की तरफ से कच्ची रह जाएगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, और ऐसे इनको आराम से हम पका लेंगे।
गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा, क्योंकि जब इसकी अंदर ऑलरेडी हीट होगी, जब आप निकाल के रखेंगे तो एक टोन डार्क तो ये अपने आप भी हो जाएगा खुद की हीट से ही। सो लुक एट द कलर, हमारी समोसे रेडी हैं, इनको निकाल लेते हैं सारों को, और ऐसे करके बाकी डो का भी प्रिपेयर कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तो ये तो तैयार है, अब इनको प्लेट कर लेते हैं। सो हमारी प्लेट रेडी है, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। और स्टफिंग देखिए, स्टफिंग का कलर कितना खूबसूरत आया था, और बहुत डिलीशियस होती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है स्टफिंग का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड यू गाइस कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को। सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।